हेलो एंड वेलकम बच्चों, आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th एल्जेब्रा में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्रैमर्स रूल देखते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट मेथड सीखने वाले हैं, जिसे क्रैमर्स रूल भी कहते हैं। डिटरमिनेंट रूल बहुत कम यूज़ करते हैं वो लोग ये वर्ड, ज़्यादातर क्रैमर्स रूल वर्ड ही यूज़ किया जाता है। तो चलिए, तो डिटरमिनेंट रूल ये वर्ड आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन क्रैमर्स रूल वर्ड ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग क्रैमर्स रूल। बच्चों, तो हमारा ये क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। और हमारे इक्वेशंस हैं ये दोनों। तो अभी ये दो इक्वेशंस हम लोगों को एक स्पेसिफिक फॉर्म में होने चाहिए, देन ओनली वी कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स फ्रॉम क्रैमर्स रूल। तो वो जो करेक्ट फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अगर आप देखोगे पहला इक्वेशन बराबर है इसी फॉर्म में, फाइव एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस इलेवन, लेकिन सेकेंड इक्वेशन अगर आप देखोगे तो वो इस फॉर्म में नहीं है, जिसे हमें इसी फॉर्म में लिखना होगा। एंड देन वी विल राइट बोथ द इक्वेशंस वन बिलो द अदर। तो अभी ये इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, इस तरह से होना चाहिए ये इक्वेशन, देन वी विल राइट वन बिलो द। सो नाउ बच्चों, वी हैव रिटन बोथ द इक्वेशंस इन द प्रॉपर फॉर्म एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व देम इन अ वेरी डिफरेंट मेथड। बच्चों, अगर ये मेथड आपको अच्छी लगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत अच्छा रहेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, वन, यहाँ वन लिखेंगे, जो आगे टू और थ्री। तो इस तरह से वन टू थ्री हम लोगों ने लिखा है, और आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चों, मैंने अभी यहाँ लिखा है डी, दो वर्टिकल लाइंस हैं, उनके ऊपर लिखा है वन और टू। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, वन और टू मतलब बारह आप बोल सकते हैं, ये ट्वेल्व है। तो अभी यहाँ मैं क्या लिखने वाला हूँ, जो वन है तो एक्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं फाइव और टू, वो वहाँ लिखने वाला हूँ वन के नीचे, फाइव और टू। फिर टू की तरफ जाएंगे तो थ्री और फोर, वाई के जो कोएफिशिएंट्स हैं थ्री और फोर, वो यहाँ मैं लिखूँगा। और अभी हम लोग ये सॉल्व करेंगे जो आप लोगों को आता है सॉल्व करने के लिए, राइट। तो फिर से आपको बताता हूँ, डी की वैल्यू के लिए वन और टू मतलब ट्वेल्व लिखा है हम लोगों ने, वन के नीचे एक्स के कोएफिशिएंट्स हैं, टू के नीचे वाई के कोएफिशिएंट्स हैं। तो वो देखकर हम लोगों को ये आगे सॉल्व करना है जो आपको आता है, फाइव इंटू फोर माइनस थ्री इंटू फोर, देखते हैं। तो ये सॉल्व करके आपको मिलेगा आंसर 14। तो इस तरह से हम लोगों ने डी की वैल्यू फाइंड आउट की है। अभी आगे बढ़ेंगे डी एक्स की वैल्यू के लिए। डी एक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए डी एक्स के लिए भी हम लोगों ने दो वर्टिकल लाइंस निकाले हैं, और अभी उसके ऊपर लिखेंगे थ्री और टू मतलब 32 लिखेंगे हम लोग, 32। तो अभी थ्री के नीचे क्या लिखना है हमें, कोएफिशिएंट्स माइनस इलेवन माइनस टेन, ये दोनों कोएफिशिएंट्स हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। और उसी हिसाब से टू के नीचे लिखेंगे हम लोग जो ऊपर ही है, थ्री फोर, ये दोनों कोएफिशिएंट्स हम लोग लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये डी एक्स का वैल्यू है 32 लिखा है हम लोगों ने, थ्री के नीचे है कोएफिशिएंट्स ऑफ सी माइनस इलेवन माइनस टेन, और टू के नीचे है थ्री और फोर, ओके। तो ये हम लोगों ने दोनों लिखा है। अभी इनको सॉल्व करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आपको दिखेगा कि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, माइनस इलेवन इंटू फोर और माइनस थ्री इंटू माइनस टेन। तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए माइनस 44 प्लस 30। और अगर एक नंबर माइनस है एक प्लस है, तो हम लोग सीख चुके हैं कि माइनस करना है और बड़े नंबर का साइन हम लोगों को देना है, जो कि अंक 44 है, इसलिए आंसर आएगा माइनस 14, ओके।
आगे बढ़ते हैं, हम लोग जाएंगे डी वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। लेट्स गो फॉर इट। बच्चों अभी हम लोग डी वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ लिखा है मैंने डी वाई के लिए 1 और 3 13, ठीक है। तो उस हिसाब से वापस एक बार बताता हूँ, डी का 12 था, डी एक्स 32 और डी वाई का था है 13, इज इट ओके। तो ये तीन नंबर आप लोगों को याद रखने, इसी ऑर्डर में याद रखने हैं बच्चों, 12 32 और 13, इज इट ओके। ये याद रखिए, मेमोराइज कीजिए, बाय हार्ट कीजिए। अभी सॉल्व करते हैं डी वाई। तो देखिए ये लिखा है मैंने 13, तो ये सॉल्व करते हैं अभी, और सॉल्व करने के बाद आंसर आता है -28, इज इट ओके। तो उसके बाद हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। सो अभी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, और उस हिसाब से हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं -14/14, तो आंसर आएगा -1। आगे बढ़ते हैं y के लिए, dy वाई अपॉन डी दैट इज -28/14, तो इसका आंसर आएगा -2। अभी लास्ट में आंसर लिखना ज़रूरी है, तो ये आंसर यहाँ लिखेंगे एक्स वाई -1 -2 इज द सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो बच्चों इस तरह हम लोग ये क्रैमर्स रूल यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है, देखिए फिर एक बार हम लोग बिना भूले 12, 32 और 13 याद रखेंगे, 12, 32, 13। तो ये तीन नंबर्स हैं, अगर आप याद रखें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। वी शुड बी एबल टू सॉल्व द क्रैमर्स रूल बाय दिस मेथड। अगर बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।